इसको लर्फ वाले नहीं। अच्छा अब लास्ट टाइम तक जो कर लिया था उसमें क्या था कि हमने इस तरह से एक रिलेशनल डेटाबेस बना लिया था प्रॉपर, जिसके थ्रू अब हमारे पास पूरी डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या कर रहा है कि अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, और उसके लिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ से क्या करना है हमने कि यहाँ से सिलेक्ट किया ASP.NET, और इसको जो है वो हम यहाँ पे कहाँ प्लेस करेंगे वो चीज़ें तो हमने वैसे ही किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, ASP.NET इसका नाम मैंने रख दिया ऑनलाइन मार्केटिंग, ओके किया। ठीक है, इसको यहाँ से MVC, यहाँ से चेंज ऑथेंटिकेशन, यहाँ से किया नो ऑथेंटिकेशन, और इसको कर दिया यहाँ से ओके। ठीक है, सारी चीज़ें अभी खुद ऐड। लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था उसके अंदर हमने क्या किया था, सारा काम हमने होम कंट्रोलर पे किया था। इस दफ़ा मैं होम कंट्रोलर पे काम नहीं कर सकता, अब क्या करवा रहा हूँ कि मैं अब एक नए तरीके से दूसरा काम करूँ। ठीक है, तो अब उससे पे क्या होगा कि हम प्रॉपरली करेंगे कि सारा का सारा मैनुअल कोडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं आके कि जो हमारे पास होम कंट्रोलर है ये बाई डिफॉल्ट अपना होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे इस दफ़ा। यहाँ से आके राइट क्लिक करते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं, ऐड किया यहाँ से, और यहाँ से हमने किया कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर के बाद आप यहाँ से करेंगे एम्प्टी कंट्रोल सेट करेंगे, और यहाँ से करती है ऐड, इसका नाम रखते हैं आप एडमिन कंट्रोलर, और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारे पास बेसिक कंट्रोलर आ गया। ठीक है, होम कंट्रोलर का हम जो है वो दूसरे पर्पज में इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें पहला स्टेप हमें याद है कि डेटाबेस सेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करवाएं, मॉडल में आए, और मॉडल पे आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए, यहाँ से आने के बाद डाटा, डाटा से सिलेक्ट किया यहाँ से Aerio.NET। ठीक है, Aerio.NET के बाद आपने क्या करा, यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, यहाँ से ऐड कीजिए, यहाँ से कर दें इसको ई एफ डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, नेक्स्ट कीजिए यहाँ से, और यहाँ से न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन करने के बाद सर्वर नेम वहाँ से कॉपी कर ले जाकर, फाइल कनेक्ट कॉपी किया, यहाँ पे लाके इसको इस जगह पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कीजिए, विंडो ऑथेंटिकेशन ही रहने दीजिए क्योंकि मेरे पास वही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे क्या नाम था इसका, ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेस्ट कनेक्शन ओके कीजिए, और यहाँ से कर दें इसको ओके। ठीक है, ये आपके पास कनेक्शन सिंक बनकर आ गए, अब यहाँ से कर लें नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दें, ठीक है, यहाँ से कर दो 6.x, और यहाँ से कर लो नेक्स्ट। अब ये खुद ही यहाँ रिट्रीव करके लेकर आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया। याद रहे, ये उन लोगों के लिए भी करवा रहा हूँ जिन्होंने पिछले, जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं थे, पिछला प्रोजेक्ट सही से देखा नहीं, उसमें प्रैक्टिस नहीं करी, तो उनको भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे जो है, मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डायग्राम भले चाहे तो हटा देंगे, आने दें, मसला नहीं है, फ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। ठीक है भाई, इसको यहाँ पे ओके कर दें, फिर ओके करें यहाँ से। ठीक है, जैसे कि आए तो कंपाइल कर दें, फौरन कंपाइल करना नहीं भूलिएगा, वरना बहुत सारे एरर फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, ये कंपाइल हो जाए प्रॉपरली, उसके बाद फिर आई कंटिन्यू करें। ठीक है, बिल्ड सक्सीड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास कोड बिल्ड हो चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से चल के जो हमारे पास जो हमारा डेटाबेस है, अब हमारे पास ये एडमिन कंट्रोलर है जहाँ पे हमने अभी काम करना है, ये रहा हमारा कंट्रोलर। ठीक है, इंडेक्स फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख दें कि हम यहाँ पर जो है वो इसका नाम रख दें आप यहाँ पे लॉग इन। ठीक है, ताकि वहाँ पे हम जो पहले काम कर चुके हैं कि हम वहाँ पे लॉग इन हो सकते, इसका पहले व्यू बनाए एड व्यू, और यहाँ से आप क्या करें, पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते थे, अभी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ से क्या करेंगे, लेआउट पेज को इसका अपना जो है वो ऐड कर, इसको एम्प्टी रखने के बाद यहाँ से करते हैं इसको ऐड। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एम्प्टी टेबल ऊपर, ठीक है भाई, तो ये इस तरह का पेज आपके पास बनकर आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट कोई लॉगिन फॉर्म का ले लेते हैं। ठीक है भाई, डिजाइन यहाँ पर ले लिया इस तरह का, ताकि जो है ज़्यादा कोड इस पर ना करना पड़े, जो काम हमारे पास है हम उसी को ज़्यादा फोकस करें।
ठीक है, ये हमारे पास कोड है जहाँ पे हमने अब काम करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितनी चीज़ें हमने परफॉर्म करवानी है वो सारी की सारी चीज़ें जो है जितना भी काम है बिल्कुल स्टेप से करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है। अब यूज़र नेम के बाद जाकर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं कॉमेंट, और यहाँ पे आके हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे एट द रेट एच टी एम एल डॉट टेक्स बॉक्स फॉर्म। अच्छा, इससे पहले पहले क्या कर लेते हैं, ताकि हमें डेटाबेस यहाँ बुलाना है, कॉल करवाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे एट द रेट मॉडल, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग, और कहाँ डेटाबेस रखा हुआ है डॉट मॉडल्स, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास टेबल एडमिन। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ से एडमिन की फील्ड्स आई हैं, तो मैंने एडमिन को डेटाबेस यहाँ बुला लिया, कॉल करवा लिया एडमिन की टेबल को, और यहाँ से आगे मैंने क्या किया कि जो मेरे पास टेबल है उस जगह मैंने आके ब्रैकेट लगाया एक्स टेंट टू एक्स डॉट। मैंने यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मुझे यहाँ पे चाहिए यूज़र नेम एडमिन नेम। ठीक है, तो ये एक्स डॉट मैंने कहा मुझे यहाँ से चाहिए एडमिन नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दी साथ में बूटस्ट्रैप क्लास न्यू, और यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया एट द रेट क्लास। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर की बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ कर लीजिए, तो इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर्म कंट्रोल, ऐसे दे दिया। ठीक है, और उसके ब्रैकेट्स को हमने पहले क्लोज किया हुआ है, और साथ में आप यहाँ पे क्या लगवा दें, कॉमा प्लेस होल्डर लगा दीजिए, प्लेस होल्डर, और इसको यहाँ पे दे दीजिए एडमिन नेम, ऐसे रह। ठीक है, तो इसी को पूरे को कॉपी कर लें, अब यहाँ से कॉपी करें और इसको लाकर पास इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ लाके आप इस जगह पेस्ट कर दें, और यहाँ पे क्या कर देंगे एडमिन पासवर्ड, तो इसको कर दें एडमिन पासवर्ड, और यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे आप कर दें टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे हो गया था, इसको हटाना है यहाँ से, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज़ करना है डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और नीचे वाले में कर देते हैं डॉट पासवर्ड फॉर। ठीक है, दोनों हमने वहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिए, और इसके साथ साथ अब ये जो हमारे पास आ रहा है जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें डायरेक्ट इस तरह से तो नहीं करवाना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं पूरे को, और यहाँ प्लेस कर दो इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे दे दें सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, यहाँ पे क्लास लगा दे btn सक्सेस, या कोई भी लगा दे अपने हिसाब से, ब्रैकेट बंद करें। ठीक है, डिज़ाइन ख़राब नहीं हुआ, बाकी ये फॉरगेट पासवर्ड रजिस्टर नाउ वाला काम जो है वो हटा देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि एडमिन को जो है वो रजिस्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ से हम बाकी ये भी हटा देते हैं, फिलहाल इस पर हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चीज़ें पूरी हटा देता हूँ, फिलहाल काम की नहीं है, इसको रिप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं नीचे लेकर आया था। ठीक है भाई, तो ये कदरे बेहतर हो गया यहाँ से, अब इसकी जो पिक्चर एक्सप्रेशन नहीं आ रही, क्योंकि हमने जो कोड दिया था उसके अंदर वो पिक्चर मौजूद थी, इसलिए फिर हमने वो यूज़ दी थी। ठीक है, तो खैर पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसको बाद में लगा देंगे, इसके अलावा इसको जो है वो हम अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, फिलहाल अभी जो है मैं यहाँ पर इसका एक लॉगिन फॉर्म तैयार कर रहा था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से ये चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ये हमने जो चीज़ लगाई थी, तो इसको आप पूरा कर दें तो ये btn सक्सेस, और यहाँ से आप इसको btn ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, पूरे में आ जाएगा। ठीक है, जो इसकी ओवरऑल है तो ये पूरा, लेकिन ये बहुत बुरा था लग रहा है, तो इसको रहने देते हैं, जैसा था वैसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अब ये काम क्या क्या काम करना है कि जब ये लॉगिन हो सके, तो लॉगिन होने के बाद ये किसी पेज पे जाएगा, तो वो पेज कौन सा होगा, वो कैटेगरी का पेज होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने लगे यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसका नाम रख दिया कैटेगरी। ठीक
ठीक है, ऐसे नाम रख दिया मैंने ऐसे कैटेगरी। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि अभी फिलहाल इसको भी एम्प्टी यूज करेंगे। मैंने इसका व्यू क्रिएट किया, एड व्यू किया, और यहाँ मैंने इसको कर दिया, यहाँ से इसको कैटेगरी रहने दिया और इसको मैंने करवा दिया ऐड। ठीक है, अच्छा एक काम ही करते हैं, इसको दोबारा क्रिएट करते हैं, इसकी स्पेलिंग भी मैं ठीक कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, यहाँ से इसके लेआउट को हमने हटा दिया और इसको कर दें ऐड। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर दें इसके अंदर, इसका आप यहाँ पर टाइटल जो है वो हमारे पास कैटेगरी की जगह पे कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसके अंदर एड न्यू कैटेगरी। अब ऐसा काम करना है कि जब वो लॉगिन हो जाए तो फिर वो उस पेज पे रिडायरेक्ट करवा दे इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमने कि हम यहाँ पर आते हैं वापस एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो गेट रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके लिखा HTTP गेट, ठीक है, और यहाँ पे आके लिख दिया HTTP पोस्ट, ऐसे लिए दो हिस्से क्योंकि हमने पहले भी ये काम किया है। तो अब HTTP पोस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसी के बाद इस पूरे को कॉपी कर लें, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दें क्योंकि हमने इसका पोस्ट मैटर बनाना है क्योंकि हमें लॉगिन करवाना है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आप एडमिन टेबल का नाम दे देंगे, जो हमारे जो टेबल का नाम है कंट्रोल डॉट, यहाँ से इसको यूज किया और यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया एडमिन, ऐसे ऐसे शॉर्टकट, ये ऑब्जेक्ट नेम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और कंट्रोल से बी कर दें इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एडमिन के टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया और इसका मैंने नाम दे दिया AD इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट बना लिया इसके अंदर। और सबसे पहले क्या करेंगे, जाके हम यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग्स बना लेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करवा लेंगे जो कि हमने पहले किया हुआ है। तो सेम तरीके से बिल्कुल आएगा, जो हमारा डेटाबेस का नाम था वो हमारे पास यहाँ मौजूद होगा जो हमने नीचे बनाया था। तो ये देखें, यहाँ कॉपी कर लिया इसको और यहाँ लाके इसको एडमिन कंट्रोलर के अंदर लाके पेस्ट कर। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लाके एंटर करें और इसको कहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, इस जगह पे लाके इसको जहाँ हमने जो काम किया था उसी के थ्रू बिल्कुल ग्लोबली डिक्लेयर कर दें इसको, जो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है यहाँ लाके इसको पेस्ट करें। इसका नाम रख दे DB इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लाके आप दोबारा इसको यूज कर लें, कंस्ट्रक्टर लगाइए, टर्मिनेटर लगाइए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिए। नीचे आइए और यहाँ पे एक काम करें, इसके ऑब्जेक्ट को इस तरह से हटाएं और यहाँ पे AD इज इक्वल टू DB डॉट। अब मैंने कहा कि इस जगह पे एडमिन, ये हमारे जो टेबल का नाम है उसको मैंने यहाँ पे कॉल करवाया DB डॉट, मेरे पास ये एडमिन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, डॉट वेयर कंस्ट्रक्टर लगाया और यहाँ कहा एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट। एक्स डॉट के बाद मैंने यहाँ पे किसको कंपेयर करवाना है, पहले पहले मैं नाम को कंपेयर करवाऊंगा। तो मैंने नेम इज इक्वल इक्वल्स टू, मैंने कहा किसके बराबर होगा, AD डॉट, मैंने कहा एडमिन नेम, और यहाँ पे मैंने एंड, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स डॉट, मैंने कहा पासवर्ड इज इक्वल इक्वल टू AVM डॉट पासवर्ड, सॉरी ADM डॉट पासवर्ड, और यहाँ लिखते हैं डॉट सिंगल और डिफॉल्ट। ठीक है, दोनों को कंपेयर करवाएगा, हमने यहाँ पे लिंक क्वेरी पास करवाई, जो भी नेम और पासवर्ड है अगर वो कंपेयर कर गया तो क्या करे, नीचे आ जाए। अगर ये एम्प्टी अगर हो और अगर ये नाल मतलब खाली ना हो, तो मैंने कहा AD इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू नल, ब्रैकेट बंद करें और इसके अंदर आ जाए। ठीक है, अगर ये है तो क्या करें, वरना पर नेविगेट कर जाए, नेविगेट कहाँ करवा दे इसको, दोबारा उसी पेज पे दे दे कि एडमिन और नेम और ईमेल या पासवर्ड गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सीधा सीधा यहाँ पर आके आप लिखवा दें, यहाँ पे दे दें एल्स। अच्छा, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम पहले सेशन बनाएंगे और सेशन का पहले पढ़ा चुका हूँ ताकि वो उसका नाम आ सके। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, सेशन, और सेशन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडमिन ID, और इसके अंदर मैं क्या करवा लूंगा, सेशन को मेंटेन करवा लूंगा किसके थ्रू,
मैंने यहाँ पे लिखा ए डी डॉट, मैंने यहाँ पे आई डी को उठा लिया यहाँ से, डॉट टू स्ट्रिंग, इससे क्या होगा इसका सेशन मेंटेन हो जाएगा यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर लगा दीजिए, टर्मिनेटर लगा दीजिए, इससे क्या हुआ ये सेशन इसका मेंटेन हो गया यहाँ पर। और फिर इसके बाद क्या कर दें इसको, ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाए और यहाँ पे लिखवा दें, यहाँ पर ये किस पेज पे लेके चला जाए, तो मैंने कहा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, और किसके ऊपर करवा दें इसको, मैंने कहा इसको आप वो वाले पेज पे ले जाइए जो हमने नीचे बनाया था एक, और यह तो कोई और नाम रख दें, या फिर फिलहाल जो है वो उसी पेज पे उसको लेके चला जाए जहाँ पे हमने कोड बनाया है। ठीक है, तो एक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको अभी फिलहाल के लिए क्रिएट नाम रख दिया इसका, सॉरी इसको तो मैंने कर चुका हूँ ना, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ लाके पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया मैंने क्रिएट। ठीक है, कॉपी कर लें इसको यहाँ से, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर लें, नहीं हुआ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ लाके इसको यहाँ इस जगह पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये कर लिया। इसके अलावा अगर एरर आ जाए, मतलब नहीं सही हो, तो क्या करें, व्यू बैक डॉट एरर इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड यूजर और पासवर्ड और टर्मिनेटर लगा दीजिए। ठीक है, और अगर ये आए तो क्या करें, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कहाँ ले जाकर पेस्ट कर दूंगा, जो मेरे पास जहाँ मैंने कोड किया था पीछे फॉर्म वाला। ठीक है, तो फॉर्म वाले कोड के ऊपर जाके इस जगह पे आप पेस्ट कर दें जहाँ पे हमने ये वाला काम किया था। लॉगिन पे आएँ और यहाँ पे आकर इस जगह पे एक डिव बना लें, यहाँ पे एक डिव दे दें, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप बंद कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें इसको पेस्ट करें, यहाँ पे लगाएं एट द रेट और इसको पैराग्राफ दे दें, यहाँ से इसको कट कर लें, पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे दे दें स्टाइल और इसको कलर दे दें टेक्स्ट, इसको कलर दे दें यहाँ से रेड। ठीक है, ताकि अगर ये आए तो फिर आपकी भाई रेड कलर थ्रू। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो नाम रखा था ना ये कैटेगरी वाला, इसको कैटेगरी के बेस पे थ्रो कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, फिलहाल काम नहीं है इसका, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम और करना है कि जब भी हम वो करते हैं कि पेज को नेविगेट करवा रहे होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक फॉर्म से डाटा भेज रहे होते हैं, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, यहाँ पर आकर आपने स्टार्ट में बिल्कुल जो है वो जहाँ पर पहले देख लेंगे पूरा ख़त्म हो रहा है, इसके पास यहाँ पर आके लिखें एट द रेट यूजिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप HTML डॉट बिगिन फॉर्म, जो क्या करेगा डाटा को पास करवाता है, तो मैंने यहाँ पर आके ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखिए HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ब्रैकेट बनाइए ऐसे। ठीक है, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दें बराबर में, और इसके अंदर एक बॉडी बना लें, जो कि बॉडी को आप कहाँ क्लोज करेंगे बिल्कुल एंड में, इसको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करें, इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लाके इसके बाद इस जगह पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इस फॉर्म को खोलें यहाँ से। ठीक है, अब चला के देखें, इंशाल्लाह कोड बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, तो हम इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के चलाते हैं, कंट्रोल F5। ठीक है भाई, तो अभी देखें फिलहाल मैंने क्या किया यहाँ पर, वो जो वहाँ थ्रो करवाया था कुछ भी डाला नहीं वहाँ पर, आगे बाकी वैलिडेशन भी लगाएंगे, ताकि फिर क्या एक काम करते हैं वैलिडेशन लगा लेते हैं, ताकि वो क्या हो कि कोई भी जो है बगैर उसके जो है वो इंसर्ट ना कर सकता। ठीक है, तो हम पहले वैलिडेशन लगा लेते हैं उसकी चल के, या वैलिडेशन बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन फिर हम नेक्स्ट उसमें लगा लेंगे, फिलहाल क्या था ये देखें, यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, प्रॉपर आईडी पासवर्ड था, ये दूसरे पेज पे लेकर आ गया, दूसरे पेज पे कोई काम ही नहीं किया इसमें से, बट ये कैटेगरी के पेज से मुझे नेविगेट करवा सकते। ठीक है, तो ये काम हमने इस लेक्चर में करना था कि हमने क्या क्या कर लिया, डेटाबेस पहले लेक्चर में बना लिया, उसके बाद अभी हमने क्या कर लिया कि लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट पहले ये काम होगा कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर वैलिडेशन परफॉर्म करवाएंगे, देन बाकी काम।